क्यों आपका भाई मजा पे स्टक हुआ है? तो आज इस बारे में बात ना कर लें, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीन ऐसा है कि भाई कुछ दिन पहले ना हमदा भट्टी की एक वीडियो आई थी और उसने मेरी आंखें खोल दी। काफ़ी टाइम से मेरा भी प्लान था कि इस तरह की वीडियो मैं भी रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों तक एक मैसेज पहुँचाऊँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक छोटा सा डर था कि आप जिनको फॉलो करते हैं, ठीक है, आप जाहिर बात उनके फ़ैन हैं और आप लोग बुरा ना मना रहे हैं। तो खैर, ये आजकल इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा आम हुआ है, बेटिंग ऐप हो गई या तो फिर आप ट्रेडिंग ऐप, ये लोग काफ़ी इसको ना क्या कहते हैं प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ना मैं काफ़ी टाइम से कहना चाह रहा था आप लोगों को और मैंने कहा चलो मिस कराओ आपको। मैं सिंपली अपना रफली आइडिया बताऊं तो मेरे कम से कम 60 लाख रुपया मैंने अपने हाथों से रिजेक्ट किया, ठीक है। तो आज मैं इस गाड़ी के पे क्यों डिपेंड हूँ ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरे पास अभी भी 40 मेल्स हैं जो को मैंने रिजेक्ट किए हैं, जिसमें बेटिंग ऐप है, ट्रेडिंग ऐप्स हैं, ठीक है, जो कि ट्रेडिंग अगर आप कर सकते हैं, बिटकॉइन वगैरह पे पैसा लगाना हो तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस तरह के मुझे मैसेजेस आते हैं और वो मुंह मांगी कीमत देते हैं। वो किसी भी तरह मुसलमानों को इस चीज़ पे लाने के लिए एग्री हैं, ठीक है। अब वो स्टार्टिंग ही 800-1200 डॉलर से करते हैं, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन लगा दें कन्वर्ट इनटू पाकिस्तान, तो आप सोचेंगे कितने रुपये बनते हैं, ठीक है। तो आगे मैं कोई भी ऑफ़र लगाऊँ वो आराम से दे सकते हैं। मैं उनको 10 वीडियो का कहूँ, 15 वीडियो का कहूँ, वो उतने पैसे बढ़ाते जाएंगे। तो ये चीज़ को मैंने मद्देनज़र रखते हुए और इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहा, सीधी सी बात है, ठीक है। और ज़ाहिर बात है आप आजकल इंटरनेट पे यही चीज़ चल रही है कि आप कुछ नया दिखाओगे, आपके पास नई गाड़ी होगी, आप तभी आप वायरल होगे, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो कि सिर्फ अपनी वॉइस की वजह से वायरल हो रहे हैं और ज़्यादातर लोग अपनी जो शान शौकत है उसकी वजह से हो रहे हैं। टैलेंट अब पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है और मैं यहाँ पर कोई रोने धोने नहीं आया, सीधी सी बात है, मैं कुछ बातें कर रहा हूँ। और 60 लाख रुपया कोई आसान बात नहीं है कहना, ठीक है, और अपने हाथ से उसको गवा देना, पैसा आता किसको बुरा लगता है, लेकिन अगर अक्ल आपकी वहाँ पे काम कर रही हो मैं कहता हूँ कि आप सोने पे सुहागा है। तो भाई हलाल कमाना सीखें, ठीक है, और इसमें यह है कि पैसा आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन तरीका देखें कहाँ से आ रहा है, वो सारी चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और इज़्ज़त हमेशा एक बार मिलती है। और दूसरी चीज़ आपको मैं सिंपली गाइड कर देता हूँ कि अगर आपने हराम खा लिया तो फिर आपकी आखिरत भी बहुत बुरी है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। भाई को आना ज़रा, क्या नाम है आपका? मुजाहिद भाई, क्या हाल है? ठीक है भाई, ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त, खैरियत से? आपकी दिहाड़ी कितनी है? दिहाड़ी हमारा 20,000 तनख्वाह है महीने का। महीने का 20,000, यकीन करें इतने का पसीना देख रहे, ये हाल है यार। आप एक सिंपल सी बात है, आजकल मम्मी डैडी लड़के की ना इतने पेट्रोल डलता है गाड़ी, बिल्कुल सही है ना, सही बात। वो अच्छी गाड़ी में वो 10 दिन भी नहीं चलता, सही बात, ठीक है ना, सही बात। तो ये सीन है, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हो और सिर्फ ये आप लोगों को दिखाने के लिए भाई को बुलाया कि मेहनत करने में कितना फायदा है। आपका गुजारा चल रहा है यार? बराबर है, गुजारा इसमें ही चल रहा है, चल रहा है 20,000 में, शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल इस दौर में जो पाकिस्तान में हो रहा है, हाँ बिल्कुल फिट जा रहे हैं, लेकिन हलाल की वजह, हलाल की वजह से एक भी हराम आ जाए ना तो प्रोग्राम फिर उड़ जाएगा, सब खराब हो जाएगा, सही बात है। तो इसलिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, गुजारा हमारा होता है, लेकिन मेहनत हम करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मेहनत। ये पसीना देख रहे हैं, ये बिल्कुल सफेदी आ गई है, सफेद है बिल्कुल, बिल्कुल। तो हलाल कमाना जो है ना मुश्किल भी है, लेकिन बरकत वाला भी, बरकत वाला होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है सर। चले जी, शुक्रिया जी, बहुत बहुत सर, करवाए देख लिया भाई, ये सीन है सारा। तो मैंने सिर्फ वो वीडियो में घूम रहे थे, मैं कहा आप इनकी ही एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। भैया सिर्फ यही रीज़न थी जो हम इस गाड़ी के ऊपर स्टक हैं, ठीक है। और आज के दौर में जिस तरह के देख लें, नॉर्मल इंसान की 20,000 तनख्वाह है, ठीक है। और जिस तरह के अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप देख रहे हैं, वैसे तो बदनाम है यूट्यूबर के जी, ये इनके जो डॉलर बहुत अच्छे अच्छे आते होंगे, लेकिन व्यूज़ जिनके अच्छे हों उनके ही अच्छे हैं। एक 10,000 व्यूज़ के पीछे 600 रुपया मिलता है, ठीक है। तो आप खुद सोच लें कि अभी मेरे 2,000-3,000 फी वीडियो पर व्यूज़ आ रहे हैं तो मैं कितना कमा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सीन है, और इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं है, पहले होती थी, ठीक है, जिसमें मैंने गाड़ी तैयार कर ली, उस ये सारा सीन है। सुबह अभी हम घर पहुंच चुके हैं, यार गाड़ी अपनी माड़ी नहीं लगती। खैर अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ, सबसे पहले तो ये चेक करें, एक पार्सल, ये मैं आपको बताऊँगा क्या सीन है, और ये दो चीज़ें। अब ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी गाड़ी के ऊपर ख़र्चा नहीं करता, ठीक है। अब ये मैंने ना चाइना से मंगवाई थी लाइट्स मज़दा के लिए,
और यहाँ पे जो मिल रही हैं, मैं थोड़ा लाइट दिखा दूँ आपको, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और आपको ना मैं ज़रा क्वालिटी भी दिखाता हूँ इसकी, चेक करें। ये मैंने मज़दा के लिए मंगवाई थी, और ये ना मैंने साइज़ लिख के भेजा था कि 5.5 इंच की चाहिए, लेकिन उन चाइनीज़ खोतों ने कौन सी भेज दी, 7 इंच की। और ये वाली जो है पाकिस्तान में जितनी भी एच जी या कोई और कोई ब्रांड है वो क्वालिटी नहीं है, ये उससे बहुत हाई एंड है। स्मोक अंदर से स्मोक कलर है इसका, और इसके अंदर वही LED लगी हुई है। अगर आपको मैं क्लोजली दिखाऊं, वही LED लगी है जो कि H4 हम अलग से लगाते हैं, इसके अंदर वो LED लगी हुई है, ठीक है। इसके अंदर प्रोजेक्टर बीम वाला सिस्टम नहीं है, इसकी थ्रो बहुत अच्छी है, इसका DRL में कोई दाना नहीं है, ये इतनी कोई नेक्स्ट लेवल है। और ये ना मुझे 7,000 रुपये की पड़ी है, यहाँ पे 10,000 12,000 रुपये की बेच रहे हैं। तो ये मैंने 2 मंगवाई थी, मैंने कहा लेफ्ट राइट लगा लूँगा, सेंटर वाली बेसिक ही रहने दूँगा, ठीक है। और ये मैं इतना ढूंढा डिज़ाइन पाकिस्तान में मिले ही ना, ठीक है। बाकी बोर्ड मिल रहे हैं, ढेर डिज़ाइन मिल रहा है, ये तो मैंने खोल के भी नहीं देखी, ये जैसा कि देख सकते हैं, ये चेक करें। तो ये मेरा नुकसान नहीं है, इसको मैं बेच दूँगा, अच्छे पैसों में बिक जाएगी, ठीक है। तो मतलब 7,000 रुपये की मैंने ख़रीदी है, तो 7,000 रुपये तक की मैं बेच दूँगा, तो ये सीन है। तो खैर इसको हम साइड पे रखते हैं, ये नहीं है कि मैं गाड़ी पे मज़दा पे ख़र्चा नहीं करता, शौक़ बड़ा करता है अच्छी अच्छी चीज़ें लगाने का, लेकिन मेरी जो मॉडिफिकेशन होती है बड़ी स्पेसिफिक होती है, ठीक है, और बहुत ही सोच विचार के साथ होती है कि यार दादा ऑल्ट्रेशन पे ना जाना पड़े, तो मैं इस चीज़ में आना चाहता हूँ। तो इसलिए ना ये लाइट्स मंगवाई थी, लेकिन इसमें ऑल्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा ये भी लग सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तानियों के हाथ में कोई चीज़ लग जाए तो वो लगाना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, तो ये भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये फंसा के लगाने वाला चक्कर जो होगा ना, गाड़ी की शक्ल बदसूरत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अब इसका हम इसको बेच के दोबारा ऑर्डर करेंगे, क्योंकि ये वापस रिटर्न की तो इसके ऊपर ड्यूटी भी लगनी है, ठीक है ना। ड्यूटी बड़ी मुश्किलों से माफ़ करवाई है, और वो तरीका क्या था वो भी मैं आपको कभी आने वाले वक्तों में बताऊँगा। फ़िलहाल आपको जैसे मैं पता है कि मैं घड़ियों का बिज़नेस भी कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ, ये जैसा कि देख रहे हैं। तो ये 2 वॉचेस आज मैं गिव अवे करूँगा, और 10,000 व्यूज़ के बाद, ठीक है ना, 10,000 जैसे ही व्यूज़ हो जाएंगे उसमें मैं फ़ौरन सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें, उधर मैं अनाउंसमेंट कर दूँगा। ब्रांड न्यू वॉचेस हैं दोनों, ठीक है, थोड़ा क्लोजली देख लें, तो मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, यूट्यूब पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब इसके बारे में बताता हूँ, ये पोलो की वॉच है जो कि मुझे निज़ाम वॉच की तरफ से गिफ्ट मिली है। अभी आप सोच रहे होंगे यार तेरा अपना बिज़नेस है, तुझे निज़ाम वॉच वालों ने किस तरह दे दी, या मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, उन्होंने कहा हमारी भी आप प्रमोशन करें और हम आपको पोलो की वॉच देंगे। अब मज़े की बात ये पोलो की वॉच हमारी शॉप पर नहीं है, तो मैंने कहा यार ये ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। मैं उधर से एक वॉच लेकर आया हूँ, और इसकी कीमत जो है 40,000 की है, ठीक है, और इन्होंने मुझे गिफ्ट की है। तो इंस्टाग्राम पे इसकी वीडियो बनाई हुई मैंने, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। वॉच बहुत प्यारी है, इसको ज़रा उठा के दिखाना पड़ेगा, ये चेक करें, सीधी साइड है ना, ये देखिए वॉच बहुत ज़्यादा प्यारी है, और सिलिकॉन स्ट्रैप में है, फुल प्रीमियम है, सफ़ायर ग्लास है इसका, ठीक है, और ये क्रोनोग्राफ वाली है, ठीक है, ये जिस के देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी वॉच है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। चेन वाली भी पसंद आ रही थी, बहुत सारी पसंद आ रही थी, लेकिन ये है कि ये थोड़ी कैजुअल है, आप किसी भी ड्रेसिंग के साथ इसको चला सकते हैं। तो बाकी अगर आपको भी कोई वॉचेस सस्ती चाहिए तो मेरे जो वीडियोस आती हैं ना वॉचेस वाली, उनको ज़रूर फॉलो कीजिए, उनमें आपको काफ़ी मज़े मज़े की वीडियोज़ देख वॉचेस दिख जाएंगी। बाकी इंशाल्लाह मेरा वादा है आपसे, ठीक है, ये आप लोगों को मेरी तरफ से गिव अवे होगा, और ये अच्छी क्वालिटी की हैं, मास्टर नहीं है लेकिन बहुत अच्छी हैं। तो बाकी ये सीन है कि टोरें कराने के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, तो ये सीन है भाई, और मैंने कहा आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। और अभी गाड़ी पे काफ़ी खर्चे हैं जो कि मैंने खुद रोके में, क्योंकि मैं साथ घड़ियों का काम भी कर रहा हूं, तो मुझे ना वो कहते हैं ना 2 किश्तियों में सवार फिर डूबता ही है, तो क्या पता अल्लाह ताला कोई ऐसा काम कर दे मेरी घड़ियों का काम इतना अच्छा चले, या यूट्यूब का बहुत अच्छा चले, या तो मेरा फोटोग्राफी का बहुत अच्छा चले, तो अल्लाह ताला इनमें से कोई रास्ता निकाल दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मेरे लिए तसल्ली है, पहले यूट्यूब पर अर्निंग हल्की फुल्की आती थी उस पर तसल्ली होती थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं आ रही, ठीक है, मतलब इसमें एक पॉलिसी है कि आप मिनिमम $100 विदड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, एडसेंस के थ्रू, लेकिन अभी तक $100 हुए ही नहीं है 2 महीने की अर्निंग को मिला के,
तो आप खुद सोचें कि कितने हालात इतना डाउन हो गए यूट्यूब के। तो ये सीन है सारा। तो बॉयज़ वीडियो बंद करने से पहले आखिरी बात मैं करने लगा हूँ, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। और ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान में रखें अगर आप कोई भी काम करना शुरू करने लगे हैं। और मैं सिंपल सी बात करूँगा कि पैसा आने जाने वाली चीज़ है। मैंने वीडियो के दौरान में बात की थी कि इज़्ज़त एक बार आती है, ठीक है, और ये जो बना ले वही कामयाब है, ठीक है। तो आज मैं अपने आप को कामयाब किस तरह कहता हूँ, मैं अभी मेरे पास पैसों की बहुत कमी है, सीधी सी बात है, लेकिन अल्लाह ताला इज़्ज़त बहुत दी है। आपने मेरी गाड़ी देख ली है किस तरह की है, ठीक है, लेकिन इसके दौरान ही आप देख लें बेंटले वाले भी मुझे अपने साथ बिठाते हैं, ठीक है, क्राउन वाले भी अपने साथ बिठाते हैं, उनके साथ बैठ के उठना बैठना है, खाना पीना है उनके साथ, ठीक है, उनके साथ फिरना भी है। और ये नहीं कि उनको मेरे से काम है, ठीक है, ना ही मुझे उनसे काम है, ये है कि सिर्फ सलाम दुआ बहुत अच्छी है, रिस्पेक्ट वो भी करते हैं हम भी करते हैं, सिर्फ ये सीन है, ठीक है। गिव एंड टेक का ज़माना है, आप जिस तरह की आप अगले को ट्रीट करेंगे वो अगला भी आपको उस तरह का ट्रीट करेगा। पैसा, दौलत, ये कपड़े, ये गाड़ियाँ, ये बंगले सिर्फ आपकी ज़रूरियात हैं, आपकी महदूद हद तक हैं। आप ये कभी भी ना सोचना कि मैंने आज कॉटन का सूट पहन लिया तो आज मैं अकड़ में आ जाऊँगा तो लोग मुझे सलूट मारेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये सिर्फ आपकी साइकी है कि आप अच्छी वॉच पहन लेंगे तो आपको अमीरी का फीलिंग आएगी, ये सिर्फ आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। लोग एप्पल वॉच पहनते हैं 3-3 लाख रुपए की, ठीक है, उनकी अपनी सेटिस्फेक्शन है, हालांकि वो हेल्थ से लेने देना ही नहीं है उनका कोई, फिर भी वो उस तरह की हेल्थ वाली वॉच पहनते हैं, ठीक है। बस अपने अपने शशके हैं, अपने अपने शौक हैं, तो ये आपकी अपनी ज़रूरियात होती हैं, इससे आपको कभी भी इज़्ज़त नहीं मिलने वाली। इज़्ज़त सिर्फ आपकी अपनी है जो आपने ख़ुद बनानी है, और आपकी चीज़ों से आपकी इज़्ज़त नहीं है, ठीक है। लोग देखेंगे, लोग ज़्यादा बातें ही करेंगे। आज आपके पास मर्सिडीज़ आ जाएगी ना तो लोग कहेंगे यार इसके पास मर्सिडीज़ कैसे आ गई, ये तो पैदल फिरता था, ज़रूर इसके पास हराम का पैसा होगा। तो ये सीन है, आपकी मेहनत कोई नहीं देखेगा। तो ये सीन है कि वीडियो उम्मीद करते हैं कुछ लेसन वाली होगी, लेसन वाली नहीं, लेसन वाली यार। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।